मैडम एक ना डीपू होल्डरों का मसला है विखी विंड खालड़ा सेंटर का। वो बोलते हैं कि 3 साल हो गए जो डोहा ढवाई के पैसे हमें मिले नहीं अभी तक, तो क्या कहना आपका? वो वाले जो बिल्स हैं वो हमने हेड ऑफिस भेजे हुए हैं, जब हमारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ से तो हम इनकम साथ के साथ ही पेमेंट करते हैं। उन्हां दा ये भी कहना कि सानू 8 दिन का जिहड़ा लारा ला दिता जाता तो बाद दे विच फिर कुछ भी नहीं, साडा कोई मसला हल नहीं हुंदा। इदां दी कोई गल नहीं है, जिद्दां ही पेमेंट आ जाएगी फ्रॉम दी हेड ऑफिस पेमेंट क्लियर हो जाएगी। एक मैडम इन्ने लेट क्यों होए जी, 3 साल हो गए जी, जे इंस्पैक्टर वो कहें ढोआ ढुआई करता तो वो पैसे जोड़े नाल दी नाल पैंदे, जेकर डिपू होल्डर ढोआ ढुआई करता तो वो पैसे जोड़े लेट हो जाते। देखो मैं चेक कर लाँगी, जो बिल्स रेज होंगे असी नाल दी नाल भेज देंगे हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस तो पेमेंट साढ़े को आ जाती है असी फिर क्लीयर कर देंगे। एक उन्होंने यह भी कहना भी जी सू कणक जी पहुँच साढ़े डिपुआ तो नहीं की जाती, बाकी पूरे तरन तारण जिले के की जाती, ये मैं चेक करा दूँगी और कंसर्न इंस्पैक्टर को हदायत कर दूँगी कि वो सिर्फ कंसर्न जरा ठेकेदार है उन्होंने। एक उन्हों का होर भी सवाल आ कि जिहड़ियां मशीनां ते प्राइवेट बंदे रखे आ वो जिहड़ा हक आ एक डिपू होल्डर नूं ही देना चाहिए। एज पर पॉलिसी सिर्फ डिपू होल्डर का ही है, प्राइवेट परसन कोई भी उन्होंने यूज नहीं कर सकता। मैडम एक वो पर्चियां कट्टन तो बाद अपनी दिहाड़ी भी मंगते तो सानू जो डिपू होल्डर तो पैसे मंगने की कोशिश करते भी सानू 200-400-500 रुपया जो दिहाड़ी दी जाए अं तुहाडी मशीन के नाल पर्चियां कट्टियां। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਮੈਡਮ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਖਾਲੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।